Hi my lovelies, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सिंपल शावर रूटीन। जब भी मेरा मूड खराब होता है या फिर when I feel low, तो I follow some steps to pamper myself and yeah, before heading towards the video, make sure to like, share and subscribe. I am having a bad hair day guys and I don't know, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, that's why I decided to film this video. एज सच मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं करी है, इसलिए मैं हेयर मास्क लगाऊंगी पहले अपने बालों में। हेयर मास्क के लिए आई एम यूजिंग टुडे माई फेवरेट हिमालय की हेयर प्रोटीन क्रीम। दिस इज सो मच अफोर्डेबल, आई थिंक ये 80 रुपीज में मिलती है। टेक्स्चर इसका बहुत क्रीमी है एंड हेयर में लगाने के बाद काफ़ी सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं आपके हेयर। दैट्स वाई आई एब्सोल्युटली लव दिस हेयर क्रीम। यू कैन यूज इट एज अ प्री हेयर मास्क और शैम्पू एंड कंडीशनर करने के बाद। Highly, highly recommended guys. इस प्राइस में आपको इतनी अच्छी हेयर क्रीम नहीं मिलेगी। इसे मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 to 15 minutes। जब तक हमारी हेयर क्रीम हमारे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है, मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर रोज इंस्टेंट ग्रीन कॉफी कंज्यूम करती हूँ। चलिए बताती हूँ मैं कौन सी ग्रीन कॉफी कंज्यूम करती हूँ और उसे लेने से फायदा क्या होता है। तो गाइज मैं कंज्यूम करती हूँ न्यू हर्ब्स की लेमन फ्लेवर्ड इंस्टेंट ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी कंज्यूम करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन कॉफी बनती है रॉ कॉफी बीन से। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। यही नहीं, ये आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं गाइस, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ गया होगा इंस्टेंट। तो गाइस चलिए इसे बनाने का तरीका बताती हूँ। सैशे काटो, पानी में घोलो और पी लो। इसे लेने का बेस्ट टाइम है आपके मील के 30 मिनट्स पहले। आप इसे रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं एंड इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मैं न्यू हर्ब्स का ही ग्रीन कॉफ़ी क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड शुगर फ्री है। साथ ही साथ इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हो www.newherbs.com। आफ्टर 15 मिनट्स मैं अपने हेयर को वॉश कर लूंगी। माय हेयर फील सो सॉफ्ट गाइस। शैम्पू के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ वाओ का ये राइस वाटर शैम्पू एंड रिसेंटली मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अभी स्विच नहीं किया है। ये जेल बेस्ड शैम्पू है एंड द कंसिस्टेंसी इज़ गुड, बट ये काफ़ी ज़्यादा आपके बालों में झाग नहीं बनाता है जैसे और शैम्पूज बनाते हैं, बट आपकी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है। जितना भी डर्ट जमा हुआ है सब को निकाल देता है। दैट्स वाई आई लाइक दिस। कंडीशनर के लिए मैं सेम वाओ का राइस वाटर कंडीशनर यूज़ करूँगी। दिस इज़ सो रिच एंड क्रीमी कंडीशनर, आपके बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है। मैं इसे सिर्फ अपने बालों की मिड लेंथ पर लगाऊंगी एंड आई कीप दिस फॉर अबाउट 5 मिनट्स। दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट कंडीशनर सो फार। फॉर द बॉडी वॉश टुडे आई एम यूजिंग पियर्स वाला बॉडी वॉश एंड दी कोकोनट फ्लेवर का है। आई एब्सोल्युटली लव कोकोनट फ्लेवर्ड वाला बॉडी वॉश, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप एक्सट्रीमली ड्राई है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोकोनट फ्लेवर वाले बॉडी वॉश लगाना प्रेफर करती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है येट अच्छी है, मूड को काम कर देती है। ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को नरिश कर देता है। ऑल्सो दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट। आफ्टर वॉशिंग माई बॉडी एंड माई हेयर आई लव टू अप्लाई द बॉडी स्क्रब एंड दिस इज माई फेवरेट बॉडी स्क्रब। ये प्लम का बॉडी स्क्रब है एंड द फ्लेवर वनीला। फॉर्मूला इज सो गुड, वेरी वेरी जेंटल ऑन माई स्किन। इंटीमेट हाइजीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई यूज दिस सेंफी रेजर टू शेव माई अंडर आर्म्स। मैं यूजली शेविंग ही करती हूँ, मैं वैक्सिंग नहीं करती हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने अपनी पूरी बॉडी की शेव करी थी, इसलिए मैं सिर्फ आज अपने अंडर आर्म्स की शेव कर रही हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू स्क्रब माई अंडर आर्म्स विद दिस पेयर बॉडी इसेंशियल अंडर आर्म स्क्रब। मैं हर 2 दिन बाद अंडर आर्म की स्क्रब करती हूँ टू मेक माई अंडर आर्म सॉफ्ट, पिगमेंटेशन ना हो एंड ऑल्सो ओडर फ्री रहे एंड जितनी भी डेड स्किन लेयर है वो निकल जाए। अंडर आर्म स्क्रब को धोने के बाद मैं अपनी पूरी बॉडी को टॉवल से पैट ड्राई करती हूँ एंड देन आई यूज दिस बॉडी क्यूपिड बॉडी मिस्ट। कीप माई बॉडी ओडर फ्री एंड ऑल्सो स्मेल्स फ्रेश।
After that, I am using this L'Oreal Paris Hyaluronic Acid Gel Cleanser to wash my face, and I am in love with this gel cleanser. This is my one of the most loving gel cleanser जो अभी तक मैंने try किया है. You have to try it. If you have dry skin, तब भी आप use कर सकते हो क्योंकि आपके face को बिल्कुल भी dry नहीं बनाता है. And at the same time, इसमें Hyaluronic Acid है जो आपके face को nourished and plumpy बनाता है. After that, I am using this Neutrogena Daily Blackhead Removal Scrub, and it is a foaming scrub, not a proper scrub. जो आप करते हो इसमें foam निकलते हैं जस्ट लाइक अ फेस वॉश, बट ये आपके ब्लैक हेड्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप इसे डेली अप्लाई भी कर सकते हो. वेरी वेरी जेंटल ऑन आवर स्किन. आफ्टर दिस रूटीन गाइज, आई फील सो काम एंड रिलैक्स्ड, सो आई डिसाइडेड टू अप्लाई अ फेस मास्क. यहाँ पे मेरे पास 4 फेस मास्क है मिराबेले की तरफ से. मैं सोच रही थी कौन सा लगाऊं, सो आई डिसाइडेड टू अप्लाई अ एवोकाडो शीट मास्क टुडे, क्योंकि एवोकाडो का मैंने अभी तक कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया है. सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. ये मेरे फेस से थोड़ा सा बड़ा पड़ गया था क्योंकि मेरा फेस काफ़ी छोटा सा है, तो जिनका बड़ा फेस है उनके लिए बहुत अच्छा. आई थिंक मिराबेले इज़ मेड इन कोरियन ब्रांड और इंडियन ब्रांड, आई डोंट नो, बट या इसके फेस मास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. मैंने इसका चारकोल वाला फेस मास्क ट्राई किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ बॉडी पे बॉडी लोशन. दिस इज़ द वैसेलिन बॉडी लोशन, एंड मेरी स्किन टाइप एज आई ऑलरेडी टोल्ड एक्सट्रीमली ड्राई है, तो आई नीड गुड अमाउंट ऑफ बॉडी लोशन जब मैं नहा के आती हूँ तो. एंड दिस इज़ ओके काइंड ऑफ बॉडी लोशन, नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, बट या इट्स रियली हाइड्रेट माई बॉडी. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई अ हेयर सीरम टू मेक माई हेयर बाउंसी एंड स्मूथ. उसके लिए मैं स्ट्रीक्स का हेयर ग्लॉसी सीरम यूज़ कर रही हूँ. एंड गाइज, दिस इज़ माई 10th बॉटल. आई लव दिस हेयर सीरम सो मच. इट मेक्स माई हेयर सो ग्लॉसी, सो शाइनी. जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है, जब भी मेरे बाल बहुत ही ड्राई फील करते हैं, तो आई जस्ट यूज दिस सीरम एंड वॉला आई एम रेडी टू गो. हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड गाइज. कोल्ड शावर के बाद हॉट चॉकलेट पीने का गाइज मज़ा ही कुछ और है. एंड इस कप में मैं बनी हुई हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी फोटो है. इट इज़ द पैम्परिंग डे, सेल्फ पैम्परिंग डे, सो आई जस्ट एडेड दिस पार्ट ऑल्सो. आई वॉन्ट टू शेयर द ईच एंड एवरी थिंग जो मैं करती हूँ अपने आप को पैम्पर करने के लिए, एंड दिस इज़ सो डिलीशियस. उसके बाद मैं जेड रोलर की हेल्प से अपने फेस को मसाज देती हूँ. इससे आपका फेस टाइट रहता है, फॉर्म रहता है, एंड एजिंग भी प्रिवेंट हो जाती है. तो ये बहुत ही अफोर्डेबल जेड रोलर है जो मैंने आई थिंक अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदा था. मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो मैं इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक मसाज देती हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस अलाना का लिप स्क्रब. ये मैंने रैंडमली purple.com से खरीदा था, एंड आई लव दिस लिप स्क्रब क्योंकि इसमें कोका बटर है जो कि आपके लिप्स को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, प्लस आपके लिप्स पे बहुत अच्छी सी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. अगर आपके लिप्स में डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, तो यू हैव टू गिव इट अ ट्राई. मुझे अपनी लिप्स की केयर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. उसके बाद मैं कॉटन पैड की हेल्प से इसे हटा लूँगी. एंड फेस मास्क को भी रखे हुए 20 मिनट्स हो गए थे, ड्राई हो चुका था ऊपर से, तो मैंने इसे रिमूव कर लिया. एंड इसने मेरे फेस को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड कर दिया था. आई थिंक एवोकाडो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी ड्राई स्किन है, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे फेस ज़रूरत से ज़्यादा ही हाइड्रेटेड हो गया था. बट या इट गिव माई फेस इंस्टेंट शाइन एंड ब्राइटनेस, एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है. नाउ दिस इज माई फेवरेट लिप बाम. दिस इज नॉट अ लिप बाम, दिस इज अ लिप बटर. ये हिमालय का लिप बटर है, सो अफोर्डेबल. एंड अगर आपके बहुत ही ड्राई चापी लिप्स है, स्पेशली इन विंटर्स, ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है. एंड ये सिर्फ मैंने 120 और 130 का खरीदा था. इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना अच्छा लिप बटर कहीं नहीं मिलेगा गाइस. नाउ आई एम अप्लाइंग माय फेवरेट टोनर. दिस इज द लैक्मे पोर फिक्सर टोनर. ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ऑयली स्किन है, प्लस जिनके स्किन में पोर्स दिखते हैं, विजिबल हैं. मेरी भी स्किन में सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी, एंड जब से मैंने इस टोनर को यूज़ करना स्टार्ट किया है, आई सी अ विजिबल डिफरेंस. मॉइस्चराइजर मैं लगा रही हूँ न्यूट्रीजिना का हाइड्रो बूस्ट जेल. दिस इज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, सो मच हाइड्रेटिंग. एंड ये आपके फेस को विद इन सेकेंड्स में ग्लो देता है. ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड दिस इज माई फेवरेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन न्यूट्रीजिना की SPF 50 सन ब्लॉक सनस्क्रीन. आई फील लाइक ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी ड्राई स्किन है. मेरी ऑयली स्किन है तो मेरी स्किन पर अच्छे से वर्क नहीं करती है. ऑल्सो ये थोड़ा सा वाइट कास्ट भी छोड़ती है.
it last but not the least, I am using this Earth Rhythm Lip and Cheek Tint in the shade Cherry. ये काफ़ी अच्छी tint है and ये shade काफ़ी ज़्यादा natural लगता है, well pigmented है, staying power बहुत अच्छी है. मुझे lip and cheek tint apply करना personally बहुत ज़्यादा पसंद है. जब मैं makeup नहीं करती हूँ या फिर मैं no makeup look करती हूँ तो I always use this. Highly recommended guys, you have to try this. Alright guys, that's all for today's video. I hope आपने बहुत enjoy किया होगा video में and आप bore नहीं हुए होंगे. Please make sure to like, share and subscribe this video. I will meet you in my next video. Till then, take care. Bye bye.